सड़क दुर्घटना में एक बच्चा सहित एक महिला की दर्दनाक मौत तथा एक महिला गंभीर रूप से घायल, घायल को किया गया भागलपुर रेफर। बौसी हसडिया मुख्य मार्ग पर बजरंगबली चौक के समीप सड़क दुर्घटना में एक बच्चा सहित एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई तथा एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार गोड्डा झारखंड के मुजरा गांव निवासी शेख मुमताज की 20 वर्षीय पुत्री बीबी नूर हुसैन एवं 2 वर्षीय पुत्र दानिश की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई तथा उनकी पत्नी बीबी अंगूरी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पुत्र मोहम्मद के साथ मोटरसाइकिल से अपनी बहन के घर कैरी जा रही थी। इसी क्रम में बौसी बजरंगबली चौक के समीप मोहम्मद की मोटरसाइकिल सामने से आ रही ऑटो के चमकाने से अनियंत्रित बाइक हो गई। उसी दिशा से एचपी गैस के सिलेंडर से भरी हुई ट्रक आ रही थी। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने के कारण उस पर सवार महिला सड़क की तरफ गिर गई और दूसरी महिला सड़क के बाईं तरफ गिर गई। एक बच्चा भी गिर गया। सड़क की तरफ गिरने से महिला एवं बच्चे ट्रक के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस थानाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने आकर मामले की छानबीन करके सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु बांका सदर अस्पताल भेज दिया। फुल्ली डुमर प्रखंड क्षेत्र के भीतिया पैक्स के अंतर्गत आने वाले किसानों को इन दिनों धान बेचने के लिए लोहे के चने चबाना पड़ रहा है। जहां एक ओर धान खरीद में देरी हुई, वहीं दूसरी ओर प्रखंड कार्यालय से लेकर टैग किया हुआ खेसर पैक्स कार्यालय तक बिचौलियों का बोलबाला है। किसान गिरधारी यादव, राहुल यादव, बमबम यादव, भवेश यादव, अजीत यादव, सीताराम यादव आदि ने बताया कि बिचौलियों के द्वारा किसानों को धान पर 150 रुपये से 200 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन देना पड़ रहा है। वहीं जब किसानों ने इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तो प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ऋषिकेश कुमार रौनक के द्वारा धान लेने से मना कर दिया गया और बिचौलियों के द्वारा किसानों को बहला फुसला कर मनाया जाने लगा। किसानों ने बताया कि यदि कोई किसान 50 क्विंटल धान बेचता है तो उसे कच्चा चिट्ठा काट कर सिर्फ 48 क्विंटल का रसीद दिया जाता है। इस प्रकार के लूट खसोट से भीतिया पंचायत के किसानों में आक्रोश का माहौल है। किसानों ने बताया कि यदि सरकार के द्वारा धान का उचित मूल्य नहीं दिया गया तो जिला अधिकारी को लिखित आवेदन देकर फुल्ली डुमर सहकारिता पदाधिकारी का शिकायत किया जाएगा। बांका प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन 2021 के चुनाव के लिए आज दिनांक 18/1/2021 को विभिन्न पदों के लिए कुल 22 लोगों का नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिसमें मंत्री पद हेतु 2, अध्यक्ष पद हेतु 2 तथा सदस्य पद के लिए कुल 18 लोगों का नामांकन किया गया, जिसका वोटिंग 30 जनवरी को किया जाएगा। इसमें मंत्री पद के लिए खड़ी देवली देवी, जो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंची थी, से बातचीत में उन्होंने कहा, अगर हम जीतते हैं तो हम अपने मछुआरा भाइयों जो बहुत ही निचले तबके की जिंदगी जीते हैं उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य करती रहूंगी। बांका के गांधी चौक स्थित 3 दशकों से अधिक समय से स्थापित बजरंगबली मंदिर को प्रशासनिक आदेश पर तोड़ा जा रहा है। एक तरफ राम मंदिर के निर्माण के लिए पीएम की पहल पर करोड़ों की लागत से मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर राम भक्त हनुमान के मंदिर को तोड़ा जाना कहां तक सही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बांका एसपी के निर्देशानुसार चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, जिससे बाइक चालकों में मची रही हड़कंप। वाहन चेकिंग कर रहे पदाधिकारी लाल बिहारी यादव ने बताया कि हेलमेट न पहनने वाले बाइक चालक, मास्क न लगाने वाले बाइक चालक व प्रदूषण की जांच का कागजात न रखने वाले बाइक चालकों से फाइन काटा जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि हम लोग बाइक चालकों के साथ अच्छे व्यवहार कर चालान काटते हैं। इस अभियान में पदाधिकारी लाल बिहारी यादव के साथ साथ अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे। आज संध्या 5 बजे गुड्डा निवासी डॉक्टर पूजा भारती को इंसाफ दिलाने के लिए देवी नगर के युवाओं ने देवी नगर हाटपाड़ा चौक से लेकर भगतपाड़ा तक कैंडल मार्च निकाला। बता दें कि गुड्डा जिले के लोहिया नगर निवासी अवध कुमार पूर्वे की पुत्री एवं हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती का शव पतरातू डैम में मिलना हत्या एवं जघन्य अपराध की ओर इंगित करता है। उसकी हत्या से पूरा झारखंड स्तब्ध है। राज की एक होनहार बेटी की इस तरह हत्या हर शख्स को मर्माहत कर रही है। झारखंड में गिरते हुए कानून व्यवस्था से हर नागरिक चिंतित हैं। झारखंड प्रदेश के युवा लड़के एवं राज्य की हेमंत सरकार से मांग करती है
कि मामले की शीघ्रता से जांच की जाए और हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि इस प्रकार की जघन्य क्रूर घटना को अंजाम देने से पूर्व अपराधियों के मन में दहशत हो और राज्य में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही राज्य की सरकार के प्रति राज्य की जनता का विश्वास कायम रहेगा। इसमें कोई भी कोताही से जनमानस में आक्रोश उमड़ेगा और समाज वृहत आंदोलन करने पर विवश हो जाएगी। देवी नगर के युवा पूजा की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करती है एवं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ ही देवी नगर के युवा लड़कों ने कहा, यदि पूजा को जल्द इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर पृथ्वीराज चौहान, अंकित कुमार भगत, उमेश पांडे, गौरव सिंह, मनीष मिश्रा, रोहन तिवारी, रोहित तिवारी, आभास भगत, विशाल भगत, मुकेश भगत, देवम सिंह, आकाश पांडे, मोहम्मद खुर्शीद, अर्पित आनंद और भी कई अन्य युवा उपस्थित रहे। हर तरह का हम लोग जो भी प्रयास होगा हम लोग करेंगे, इसलिए सोई सरकार जागे, जल्द जागे और ये हमारी पूजा डॉक्टर पूजा भारती को न्याय मिले, और नहीं तो फिर हम लोग इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। डॉक्टर पूजा अमर रहे, डॉक्टर पूजा अमर रहे, डॉक्टर पूजा अमर रहे, डॉक्टर पूजा अमर रहे।